देवेंद्र जी आपका क्या आंकड़ा है आप अभी इस वक्त अट्ठाईस सीटों पर लड़ रहे हैं पिछली बार पच्चीस में से तेईस जीते थे उसके पहले चौबीस में से तेईस जीते थे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर आपने अगर कहा जा रहा है कि पीएम मोदी अगर प्राइम मिनिस्टर पूर्ण बहुमत से बनेंगे उसमें जो स्विंग स्टेट है वो एक महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटें आती हैं यूपी के बाद में आपका क्या आंकड़ा देवेंद्र फडणवीस जी कि मुझे जो दिखाई पड़ता है पिछले समय हमको इकतालीस सीटें मिली थी उससे कम तो हम नहीं आएंगे हमको उसके आगे ही बढ़ना पड़ेगा और बढ़ेंगे और बीजेपी बीजेपी भी पिछले बार हमारी आ, करीब तेईस सीटें थी तो इससे आगे ही जाएंगे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ और एक और चीज़ है कि मैं देख रहा हूँ कि पहले जितना रिपीटेडली 400 पार बीजेपी कहती थी और बीजेपी के लीडर्स कहते थे अभी उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है कभी होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर गुवाहाटी में कहा था 400 पार के आखिर तरह बढ़ रहे हैं पर पहले हर दिन या हर दूसरे दिन ये रिपीट किया जाता था और रैली से भी कहा जाता था इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं बीजेपी थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो चुकी है लोग कह रहे हैं ना आप चार पार अब नेताओं को कहने की जरूरत थोड़ी है पहले तो हम कहते थे अब जनता कह रही है चार सौ पार तो हमको कहने के देखिए आप नारा कब लगाते हो जब जनता से बुलवाना है अब जनता ही कह रही है जनता हमारे से नारा लगवा रही है